हर बीमारी का इलाज क्या नेचुरोपैथी में संभव है? शायद हाँ, पर इस पद्धति से इलाज में समय लगता है। आज हम आपको खुलासा में भागलपुर मायागंज अस्पताल के तपोवर्धन प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र लिए चलते हैं, जहाँ प्राकृतिक चिकित्सा के डॉक्टर जेता सिंह कहते हैं कि जड़ जमा चुके बीमारियों का इलाज तपोवर्धन चिकित्सा केंद्र में संभव है, लेकिन इमरजेंसी मरीजों के लिए एलोपैथिक में इलाज कराना चाहिए, क्योंकि इस पद्धति में इमरजेंसी सेवा नहीं है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के बारे में डॉक्टर जेता सिंह कहते हैं कि मास्क और विटामिन सी इस रोग से बचने में अति आवश्यक है, लेकिन मास्क पहने व्यक्ति में भी कोरोना होने की संभावना है, लेकिन बचाव के लिए मास्क जरूरी है। वहीं कोरोना काल में विटामिन सी को रामबाण बताते हुए डॉक्टर जेता सिंह कहते हैं यह जरूरी है और इसके लिए तपोवर्धन चिकित्सा केंद्र बेहतर इलाज देता है। दरअसल तपोवर्धन चिकित्सा केंद्र का शुभारंभ और विधिवत उद्घाटन पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गरिमामयी उपस्थिति में 2016 में संपन्न हुआ था। उन्होंने कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कर कमलों द्वारा 1962 में तपोवर्धन प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की आधारशिला रखी गई थी। गाइडलाइंस दी गई है कि सभी लोग मास्क का प्रयोग करें और इसका पूरा प्रचार भी किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल नहीं कहना चाहते कि आप सरकार के नियमों की अवहेलना कीजिए, लेकिन हम साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं जिन्होंने बहुत निष्ठापूर्वक मास्क लगाया है, सैनिटाइजर से हाथ धोया है, उनको भी कोरोना का इन्फेक्शन लगा, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा पालन किया है, वो भी इसमें रहे, तो एक बार तो ये सवालों के घेरे में आ जाता है कि क्या मास्क, सैनिटाइजर, सैनिटाइजिंग टनल, सोशल डिस्टेंसिंग हमको बचा रही है या हमारा इम्यून सिस्टम हमको बचा रहा है। आपके यहाँ से किस किस चीज़ों की इलाज होती है? हम लोगों के यहाँ हर उस बीमारी का इलाज होता है जिन बीमारियों का इलाज दवा से नहीं हो सकता है, अंग्रेज़ी दवाओं से या अन्य दवाओं से आप उन बीमारियों को नियंत्रण में रख सकते हैं लेकिन ठीक नहीं कर सकते, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से हर उस बीमारी को आप जड़ से ठीक कर सकते हैं, तो उनका इलाज हमारे यहाँ होता है। लेकिन हाँ, एक बात सबसे महत्वपूर्ण है कि आपातकालीन परिस्थितियों का सबसे अच्छा मैनेजमेंट एलोपैथी में होता है, इसलिए एलोपैथी में ही जाइए अगर एमरजेंसी की स्थिति आ गई है तो। एमरजेंसी में हमारे यहाँ आना व्यवहारिक दृष्टिकोण नहीं होगा। हम लोग एमरजेंसी को हैंडल करने के लिए या आपातकालीन स्थितियों के प्रबंधन के लिए नहीं हैं। हम हर उस बीमारी को जो शरीर में जड़ जमा के बैठ गई है या ऐसी बीमारी जो ठीक नहीं होगी, जान ले के चली जाएगी, उस तरह की कोई भी बीमारी हो, जैसे किडनी फेलियर हो सकता है, जैसे कि डायबिटीज़ हो सकता है, हार्ट की, हृदय की धमनियों का ब्लॉकेज हो सकता है, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, जो भी बीमारियां हैं, उनको आप प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में आकर ठीक करवा सकते हैं। देखिए, विटामिन सी एक खाद्य पदार्थ है, संतुलित आहार जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और जल, है ना, खनिज लवण, ये हम लोग पढ़ते हैं। तो विटामिन एक पोषक तत्व होता है जो हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार से सहायता करता है। दो तरह के विटामिन होते हैं, तेल में घुलनशील और जल में घुलनशील। तो विटामिन सी एक ऐसा तेजाब है जिससे आप शरीर को अंदर से साफ कर सकते हैं। आप वो तेजाब का प्रयोग अपने शरीर पर नहीं कर सकते जिससे आप टॉयलेट साफ करते हैं या जिसको आप लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं ग्लासवेयर को साफ करने के लिए। तो शरीर को अंदर से साफ करने के लिए आपको विटामिन सी नामक तेजाब की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक खाद्य पदार्थ है। हर खट्टे फल और खट्टी सब्जी में विटामिन सी मौजूद है, जैसे नींबू, संतरा, मौसम्बी, अनानास, टमाटर, जितने भी आप देख लीजिए खट्टा स्वाद जिसके अंदर है उसमें विटामिन सी है। जब उसको आप खाएंगे और प्रचुर मात्रा में लेंगे तो शरीर अपनी सभी नलियों को, यानी खून की नलियाँ, चाहे वो हार्ट की नलियाँ हैं, हृदय की, या कहीं भी खून पहुँचाने के लिए जो नलियाँ हैं,
उनकी सफाई शरीर करता है। इसी खाद्य पदार्थ में जो विटामिन सी नामक तेजाब है इससे, और इसी से जोड़ों के जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी भी मरम्मत होती है, इसी से कनेक्टिव टिश्यू बनते हैं, और इसी विटामिन सी से कीटाणुओं का नाश भी होता है। तो विटामिन सी खाइए और अपने वायरस, और नॉट ओनली न सिर्फ कि आप COVID-19 वायरस बल्कि किसी भी तरह के वायरस से खुद को बचा भी सकते हैं, और इसका डोज बढ़ाते हुए उस वायरस को नष्ट भी कर सकते हैं। नाम बता दें सर अपना। मेरा नाम जेता सिंह है और ये तपोवर्धन प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है, हम यहाँ निदेशन का कार्य करते हैं। सालों से जकड़े हुए बीमारी से छुटकारा पाना हो तो तपोवर्धन प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र एक बार आपको जाना चाहिए। खुलासा के लिए भागलपुर से रवि कुमार की रिपोर्ट।